वहां पे थाने दिखाया था वर्तक तो नगर मुझे बताओ ना। शिरडी साई बाबा टेम्पल 37 उत्सव। रात भाई के मैं समय तुम्हें काफी बताया ना सुंदर मैंने और तुम्हें बहुत ही अच्छा बताया दृश्य ना देखने मिल रहा है। यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है और लगभग मेले टाइप जैसा सजाया गया है। बहुत यहाँ पे दिसंबर महीने में 5, 6, 7 तारीख को 3 दिन का उत्सव मनाया जाता है और काफी अच्छी तरीके से मनाया जाता है। देखिए भी शिरडी बाबा साईं बाबा विराजमान है और बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है यहाँ पे। ये हमारे हनुमान जी, ये हमारे राम जी, बहुत ही सुंदर सजाया गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, एक आकर्षित एकदम मन में बैठे ये शिव जी की प्रतिमा और नृत्य करते हुए हमारे शिव भगवान भोलेनाथ। ये देखिए छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे शॉप यहाँ पे लगाए गए हैं। ये बहुत सारी स्टॉल यहाँ पे लगी रहती है, एकदम लोग बहुत दूर दूर से शॉपिंग करने आते हैं। देखिए ये कपड़ा, ड्रेस, ये है 24 कैरेट गोल्ड, ये मास्क, रक्तदान शिविर भी था यहाँ पे। बहुत सारे लोग, ये पान की शॉप है, फायर पान, ये नोटों की, ये ओरियो बिस्कुट, मुंह से बाफ निकालने वाला मेला। देखो झूला झूल रहे बच्चे, ये आप हमारे बचपन के दिन गए, हालांकि देख के मन मोह ले जाता है। देखिए बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, मेरा मन करा तो मास्क लेने के लिए लेकिन पैसे नहीं थे तो इसलिए नहीं लिए। हालांकि खाया तो दबा दबा के मंचूरियन राइस। देखो लोग अपने बच्चे लोगों को गोद में लेके लेके घूम रहे हैं। ये बच्चा की बैठा है, ये साईं बाबा मंदिर का दर्शन का एंट्रेंस गेट है, ये शुभ स्वागतम है। ये टेम्पो भाई किसका है, यहाँ पे बीच रास्ते में लगा दिया है, जल्दी हटाओ भाई, ये एंट्री गेट है। ये स्वागत करते हुए ये बलून, पापा तरह तरह की मिठाई, मन तो कर रहा लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, मैं क्योंकि पैसे मांग रहा था वो। ये मंचूरियन चाउमिन, ताबेली, स्नैक कॉर्नर, ये आंटी दबा के खा रही है। ये भाई बंदूक वाले गुब्बारा फोड़ते हुए, ये फिर से यार मंचूरियन की दुकान दिख गई यार, दिल को दिल से बुरा लग रहा है मुझे यार। ये अचार वाले, हालांकि रेट तो बहुत हाई फाई था, फ्री में कुछ नहीं देंगे, कोई बात नहीं, माफ किया इनको। अब ये बाजार खत्म हो चुका है समझो, बता तुम लेट पहुंचा, ज्यादा ही लेट पहुंचा, खत्म होने के बाद पहुंचा। ये मैं मंदिर की तरफ जाते हुए दर्शन की, लंबी कतार तो नहीं है, एकदम खाली हो गया है क्योंकि मैं सब कुछ खत्म होने के बाद पहुंचा हूँ। ये यहाँ से डायरेक्ट लाइव दर्शन चालू था, टीवी में लोग देख सकते थे, तो टीवी में दिख रहा भी है एकदम बढ़िया। जय हो साईनाथ महाराज की जय। अब ये आगे फूलों से सजा हुआ मंदिर। ये अंकल फोटो लेते हुए, आंटी और अंकल आपस में सेल्फी लेते हुए, एकदम बढ़िया सी। तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया, चल दिए सीधा डायरेक्ट मंदिर। हमने लाइन तो नहीं लगाई क्योंकि हम बहुत ही लेट हो चुके थे, तो हमने दूरदर्शन किया एक साईं बाबा का। ये छोटा थाने का छोटा शिरडी साईं बाबा भी है। देखिए बहुत ही लंबी कतार रहती है, हालांकि आज एंड एकदम हो गया था तब मैं पहुंचा था। कितना सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। विनोद भाई आते हुए, ये शनिदेव और हनुमान जी का मंदिर, विनोद भाई पैर छूते हुए, भगवान इनकी शादी जल्दी हो जाए भगवान। लोग बैठे हुए, थके थके बैठे हुए लोग। शंकर पार्वती का मंदिर, जय हो भोलेनाथ, जय हो पार्वती माता, हमको कुछ नहीं आता, जय हो भोलेनाथ, जय हो। यहाँ पे नीचे की तरफ और 2-3 मंदिर हैं और जो यहाँ पे आता है उसे पता होगा जी के जो बहुत अच्छे नसीब अच्छे वक्त जय हो साईनाथ महाराज की जय। जय। अब ये विनोद भाई मजा लेते हुए सोच रहे इनको फ्री में मिल जाएगा। देखिए पूरा पेड़ हरा दिख रहा है, अलग की हरा लाइट जलाया गया है, इतना हरा तो होता नहीं है। चलते हैं विनोद भाई की तरफ। विनोद भाई 100 रुपए में डील कर लिया पूरा मोजा, एक बंडल। ये विनोद भाई 100 रुपए में डील की तो ऐसे ही नहीं डील करेंगे, कुछ तो कुछ उसके बदले जरूर लेंगे। देखिए ये अपना चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं, आदत से नहीं सुधरेंगे भाई, सुधरना ही नहीं विनोद भाई को। अपना तो चैनल सब्सक्राइब कराएंगे, अभी अपने भौजी का भी करवाएंगे जो एक नंबर की कंटा माल है।
एकदम विनोद भाई, सब्सक्राइब करा लिया। अब चल दिए हम अपने घर की तरफ। ये एंड होता हुआ नज़ारा, अब ये बाहर से एकदम बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ पे आके। हाँ।